सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग एक दमदार वीडियो बनाने जा रहे हैं। जो हाल ही में डोमिनोज ने न्यू पराठा पिज़्ज़ा लॉन्च किया ना, आज उसका रिव्यू करेंगे अपन। तो देखते पराठा पिज़्ज़ा कैसा रहता है। इनका कॉन्सेप्ट तो नया लग रहा है, तो देखते टेस्ट करते कैसा लगता है। तो मैंने मंगाया है चिकन कीमा पराठा पिज़्ज़ा, तो ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है, क्या है, आपको दिखाता हूँ मैं। और ये मुझे आया 262 का, तो ऑफर इफर लगा के आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो देखते 262 रुपीज़ अपना वसूल होता है कि नहीं ये पराठा पिज़्ज़ा खा के। तो आइए आपको दिखा दो कैसा है ये पराठा पिज़्ज़ा। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये रहा इनका पराठा पिज़्ज़ा। तो मैंने गर्म किया था एक्चुअली, बहुत काफ़ी देर हो गया इसको आके, तो ठंडा हो गया था ये। तो ये रहा इनका पराठा पिज़्ज़ा। तो जैसे इसको खोला ना मैंने, तो चीज़ पॉपकॉर्न, आपको पता है चीज़ पॉपकॉर्न, चीज़ पॉपकॉर्न की खुशबू आ रही है इससे। और अंदर तो देख सकते हैं आप क्या कैसी फीलिंग है। ये तो बहुत आहा, बहुत गर्म है एक्चुअली। आहा, हाथ जल गया, हाथ जल गया, हाथ जल गया। आहा, कीमा की खुशबू आ रही है। चीज़ देख सकते हैं आप, जस्ट चीज़ देखिए आप, चीज़ देख सकते हैं आप, चीज़ से भरा हुआ ही है। और कीमा का मसाला, एक्चुअली मेरे को लगता है जो कीमा मसाला होता है वो डाला है, क्योंकि कीमा मसाला की खुशबू आने लगी डायरेक्ट जैसे खोला इसको मैंने। और आपको ये देख के लग रहा है, देखिए ये पराठा, एक पराठा जो है बड़ा सा पराठा, उसको ऊपर से फीलिंग डाल दिया। और ये एक मिनट, हाँ बड़ा सा पराठा है और उसके ऊपर एक ये छोटा पराठा का फीलिंग रख दिया, ऐसा लग रहा है मुझे। ये बड़ा पराठा है, इसके अंदर फीलिंग डाला है और एक छोटा सा पराठा इसके ऊपर रख दिया। आप देख सकते हैं ये वाला छोटा सा पराठा, तो ऐसा लग रहा है मुझे। खुशबू तो दमदार आ रही है, चीज़ भी देख लिया आपने, फुल मेल्टी हो रहा है। तो आइए खा के देखते इसको कैसा लगता है। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये पूरा कीमा मसाला है, चिकन कीमा है जो, और चिकन के थोड़े कीमा के बड़े बड़े क्यूब्स भी रखे ऊपर। तो ये सही लग रहा है, बहुत सही लग रहा है मुझे तो, सही है। सो आइए गाइस, ये पराठा पिज़्ज़ा का एक फर्स्ट बाइट लेते हैं और देखते हैं कैसा लगता है ये। तो गाइस, ये रहा हमारा पिज़्ज़ा। तो गाइस, ये रहा हमारा पिज़्ज़ा। इसका अंदर का तो आपने फीलिंग देख लिया है, खुशबू लेकिन गाइस बहुत सही आ रही है ये मुझे। देखिए आप, मेरे को ये जो पराठे को सेकते ना, जो ऑयली ऑयल, तो थोड़ा ऑयली ऑयली लग रहा है मुझे यहाँ पे। आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि नहीं, ये देखिए ये बेस थोड़ा ऑयली नहीं लग रहा मेरे को। तो इसको ऑयल में पराठे को बनाया कि पता नहीं चल रहा कुछ, तो थोड़ा ऑयली लग रहा था। ओके, देखते हैं खा के। जैसे आप फर्स्ट बाइट ले रहे हो ना, जो कीमा मसाला होता है ना एकदम तीखा स्पाइसी, तो जैसे फर्स्ट बाइट लोगे आप तो स्पाइसी हो जाएगा, और फटाक से ऊपर के लेयर में चीज़ डाला हुआ है तो उसका टेस्ट आ जाएगा। तो दोनों का टेस्ट और आ रहा है एक साथ में, और ये जो चिल्ली फ्लेक्स डाला है उसका भी टेस्ट आ रहा है। तो ये काफ़ी सही लगा यार मुझे। मुझे लगा नहीं इतना बढ़िया रहेगा, लेकिन बहुत सही लग रहा है गाइस, मज़ा आ गया, बहुत सही बना है। लेकिन पराठा यह थोड़ा पतला है। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अगर आपने ये ट्राई किया तो कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक टेक केयर, गुड बाय।